जो जनसेवा है ये हमारे परिवार का वैल्यू सिस्टम है, हमारे खून में है। जो महाराज भी करते हैं वो पॉलिटिक्स नहीं है। आज का समय में सब महिला आगे बढ़ सकती है, सिर्फ हम लोग के बीच की महिला क्यों? महिलाओं को निकलना चाहिए क्योंकि वोटिंग उनका एक हक रहता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो भी निकले, अपना हक चलाए और विकास की तरफ वो भी बढ़े। राजनीति में महिलाएं बड़ी गेम चेंजर होती हैं राजनीतिक बदलाव लाने के लिए, आप कैसा देखते हैं? देखिए, जो अभी योजनाएं शुरू हो गई हैं, ज़्यादा करके महिलाओं को उसका लाभ मिल रहा है और मिलेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को निकलना चाहिए क्योंकि वोटिंग उनका एक हक रहता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो भी निकले, अपना हक चलाए और विकास की तरफ वो भी बढ़े। आज जैसे अलग अलग हम मीटिंग्स में गए, गांव में गए, गांव में ही लखपति बहनाएं हैं, गांव में ही ड्रोन दीदी है, तो ये सब इतने इंटरेस्टिंग चीज़ें भी है और महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, टेक में आगे बढ़ रही है। महिला जो ड्रोन चला रही है उसका मुझे इतना अच्छा लगा उससे बैठ के बात करके सीखना कि एक गांव की लड़की आज ड्रोन्स चलाती है। एक खेत नहीं, वो 10 खेत में काम कर सकती है, एक परिवार नहीं पूरे वो गांव का काम कर सकती है। तो यही महिला का रोल है, कम्युनिटी बिल्डिंग, और जो योगदान महिला दे सकती है उसमें उनको देना चाहिए और वो करती भी है, मगर पीछे से अभी आगे बढ़े, वोट भी करे और अपना हक भी ले। आप लगातार लोगों के बीच जा रही हैं, घुल मिल रही हैं, उनसे बात कर रही हैं, ज़मीन पर बैठकर चर्चाएं कर रही हैं, समस्याएं सुन रही हैं, तो एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगली पारी क्या आपकी भी राजनीतिक होगी, क्या आप भी राजनीति में सक्रिय प्रवेश करने वाली हैं? देखिए, जैसे महाराज भी कहते हैं, ये जो जनसेवा है ये हमारे परिवार का वैल्यू सिस्टम है, हमारे खून में है। जो महाराज भी करते हैं वो पॉलिटिक्स नहीं है, और लोगों को कभी-कभी ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन बचपन से ही आप शायद आर्यमन से भी मिले हैं, ये एक बहुत नेचुरल चीज़ होती है जो आप ज़्यादा समय के लिए एक्टिंग नहीं कर सकते हो इसके ऊपर। अगर आप लोगों के साथ बचपन से ही यही आपका योगदान रहा हो तो फिर वो बहुत एक नेचुरल चीज़ बन जाती है ऑटोमेटिकली। ये परिवार का यही सिस्टम रहा है कि लोगों से बात करना है तो साथ में बैठ के बात करना है, उनके गांव में जाके उनकी समस्या समझना है। ऐसे नहीं कि आप एसी में बैठ के गांव की समस्या समझ सकते हैं। सिंधिया जी की रैली में और मंच पे भाषण में कई बार जिक्र आ रहा है इस बात का लेकर के कि हो सकता है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र का नेतृत्व किसी महिला के हाथ में हो, तो आप सीट संभालेंगे, वो दूसरी सीट पर जाएंगे? मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में भी बहुत महिला है जिसने बहुत काम किया है, बहुत अच्छे से लोगों के साथ काम किया है, और वो महिला आगे बढ़ेगी जिसने उसका समय और टाइम इस एरिया को दिया है। तो वो जो भी हो, कोई भी हो सकती है, आज का समय में सब महिला आगे बढ़ सकती है, सिर्फ हम लोग के बीच की महिला क्यों? दो चरणों का मतदान निपट चुका है और अब तीसरा चरण है जिसमें सिंधिया जी की खुद के चुनाव का मतदान होना है, जी। और दो चरणों का जो मतदान है वो काफी कमजोर रहा, तो किस तरीके से देखती हैं कमजोर मतदान के पीछे क्या वजह मानती हैं और किस तरीके से बढ़ाना चाहिए, क्या मेहनत कर रहे हैं? शादियों का माहौल भी चल रहा है, हम सब डेट्स में शादी करते हैं, अगर कोई डेट निकल आए इसके बीच तो हम सब अपने शादियों में भी निकल जाते हैं, इसका एक कारण भी हो सकता है। और इसका कारण भी हो सकता है कि लोगों को लग रहा है कि कोई जीत रहा है तो हम आगे क्यों बढ़े, लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे गलत चीज़ सोचने की है। हर एक वोट इम्पोर्टेंट है, हर एक आदमी का आवाज़ इम्पोर्टेंट है। आप जिस पे भी वोट करें वो रजिस्ट्री इम्पोर्टेंट है कि आप निकल के वोट करिए। हमें देश आगे ले जाना है, हमें विकास पे काम करना है, और जब आपके पास वो लीडर्स है जो बिल्कुल आपके पास आपके साथ रहते हैं, विकास का काम करते हैं, सबकी भलाई का सोचते हैं, और
सबके साथ पारिवारिक संबंध रखते हैं उनके लिए स्पेशली मुझे लगता है कि लोगों को निकल के उनको भी पता लगना चाहिए कि उनका काम लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। यही होता है वोटिंग दिन पे। सिंधिया जी के साथ रहती हैं, पूरा समय बिताती हैं, राजनीति में पूरा सहयोग कर रही हैं, यहाँ तक कि घर पे और वैसे। तो एक पिछले फ्लैशबैक में जाते हैं कि 2018 में जब चुनाव था विधानसभा का, तो सिंधिया जी ने पूरे प्रदेश में मेहनत कर ताकत से चुनाव लड़ा और जीत कर आए, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन एकदम से एक फैसला आया और किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो आप आहत हुई थी क्या? फिर से मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये परिवार का वैल्यू सिस्टम जनसेवा है। जो भी कर सके वो लोगों के लिए उनके काम के द्वारा, वो जनसेवा के द्वारा से करते हैं। और पद से जनसेवा की योजनाएं लाना और सब एक साइड पे रहता है, और एक होता है कि उसका दिल भी यहाँ है, उसका काम। जैसे आपने बोला, मैंने उनके साथ इतना समय गुजारा, सच ये है कि ज़्यादा जब भी उनको फुर्सत मिली वो गुना में आए, चंदेरी में गए, अशोकनगर में गए, तो ज़्यादा वक्त उन्होंने आपके साथ बिताए हैं, हमारे साथ कम। और ये बात सबको ध्यान में रख के सोच के आगे बढ़ना चाहिए। महारमन जी को लेकर के जब लोगों से मिल रहे हैं, घुल रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, तो एक सवाल पर वो शर्मा जाते हैं कि महारमन जी शादी कब करने जा रहे हैं। आपने क्या सोच रखा है कब तक के उनकी शादी की तैयारी है या राजनीति में प्रवेश के बाद? आई थिंक चुनाव भी बताएगा उनको कि खुशी का टाइम है कि क्या हो रहा है। शायद अगर सब लोग निकल के वोट करेंगे तो उनको इतना खुशी होगा कि वो शादी के लिए भी हाँ कर सकते हैं। तो ट्राई करते हैं यही बातें, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, जो अभी योजनाएं शुरू हो गई हैं, ज़्यादा करके महिलाओं को उसका लाभ मिल रहा है और मिलेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को निकलना चाहिए, क्योंकि वोटिंग उनका एक हक रहता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो भी निकले, अपना हक चलाए और विकास की तरफ वो भी बढ़े। आज जैसे अलग अलग हम मीटिंग्स में गए, गांव में ही लखपति बहनाएं हैं, गांव में ही ड्रोन दीदी है, तो ये सब इतने इंटरेस्टिंग चीज़ें भी है और महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, टेक में आगे बढ़ रही है। महिला जो ड्रोन चला रही है, उसका मुझे इतना अच्छा लगा उससे बैठ के बात करके सीखना कि एक गांव की लड़की आज ड्रोन्स चलाती है। एक खेत नहीं, वो 10 खेत में काम कर सकती है, एक परिवार नहीं पूरे वो गांव का काम कर सकती है। तो यही महिला का रोल है कम्युनिटी बिल्डिंग, और जो योगदान महिला दे सकती है उसमें उनको देना चाहिए, और वो करती भी है मगर पीछे से।